हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मैम के कलर, ग्लोबल कलर। बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देख सकते हैं इनके बाल बहुत डार्क हैं, ब्लैक शेड है पूरी, और इनके वाइट हेयर भी हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको लाइट करेंगे हम लोग। और बहुत लोग क्या करते हैं, हेयर को ना ऐसे ही डिपॉजिट कर देते हैं कलर, तो देखते नहीं है हेयर कितना लेवल ऊपर जाएगा, कितना डाउन होगा, कैसे होगा। तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं हम लोग आपको कि हेयर की अकॉर्डिंग देखें कि कितना लेवल ऊपर करना है इसको, कितना नहीं करना है, क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो इसलिए क्लाइंट से बात करके हम लोग हमने कलर सजेस्ट कर लिया है 6.34 ग्लोबल रहेगा और टचअप आपका 5.3 लेंगे हम लोग, बिकॉज ग्रे हेयर भी है तो इसलिए हम लोग 5 नंबर वेस मिक्स कर देंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है इनका वॉश, हेयर वॉश करेंगे हम लोग। हेयर वॉश करने के बाद ये ध्यान रख लें, हेयर वॉश है हमारे हेयर के क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, तो हेयर वॉश बहुत ज़रूरी है और हेयर वॉश हमारा हेयर को क्लिनजिंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेस्ट जो बनाएंगे इसका 20 वॉल्यूम रखेंगे हम लोग और डेवलपर रखेंगे। पेस्ट होगा इसका बहुत पतला और आपका मिक्सिंग रेशियो होती है 1:2, यानी कि 1% आपका ब्लॉन्डर और 2% आपका डेवलपर रखते हैं। इसके बहुत फाइन सेक्शन लेंगे हम लोग और जितने नीट सेक्शन होंगे उतना आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट भी आएगा, इवन आपका प्रोडक्ट भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट ही हेयर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिज़ल्ट नहीं देगा। इसलिए अच्छे से प्रोडक्ट लगाएं, मल्सीफाई करें, प्रोडक्ट को हेयर के अंदर पेनिट्रेट करें अच्छे से। आप वीडियो देखें और वॉश करें, स्किप मत करना एकदम, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सा सेक्शन निकलने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो वॉच करें।
डिपॉजिट का जो कलर होगा 5.3 होगा प्लस 5, और ग्लोबल का कलर होगा आपका 6.34 5.35, और इसकी मिक्सिंग रेशियो होगी 1:1.5, यानी कि 1% आपका कलर और 1.5% आपका डेवलपर। और टचअप और ग्लोबल दोनों साथ करेंगे। देखो पहले हम लोग टचअप लगाएंगे ऊपर ऊपर, और साइड में हम लोग लगाने के बाद अच्छे से फिर नीचे लेंथ में लगाएंगे हम लोग ग्लोबल। तो 5 हमने इसलिए वेस मिक्स करा बिकॉज इनके ग्रे हेयर भी थे, तो ग्रे भी कवर हो जाएंगे इनके, और एक लाइट टोन भी आ जाएगा, और इतना लाइट भी नहीं आएगा लेकिन सटल कलर आ जाएगा। और देखो जितना अच्छा आपका सेक्शन होगा उतना अच्छा आपका कलर निकलेगा, सेक्शन अच्छा नहीं निकलेगा तो कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा होता है कि आप ज़्यादातर क्या करते हो, काम भी अच्छे से करते हो लेकिन आपके सेक्शन अच्छे नहीं होते और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता फिर आपका। तो सबसे पहले फोकस करो सेक्शन निकालोगे, सेक्शन अच्छा निकालोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। उसके बाद देखो फीडबैक आपको हमने कलर भी दिखाएंगे, स्टेट में भी दिखाएंगे, और कल्स में भी दिखाएंगे, हल्का सा बेबी लूज कल्स लाइक, तो दोनों में ही फीडबैक देके जाएंगे मैम। तो वॉचिंग करो वीडियो। आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई कलर एंड यही मुझे चाहिए था, इट इज़ द परफेक्ट शेप दैट आई वॉज लुकिंग फॉर एंड थैंक यू।